नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि बैटरी और सेल इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स होती हैं। सेल में हुई केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन को मोशन मिलता है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू कर देती है, और इसी करंट को मेंटेन करने के लिए बैटरी को लगातार काम करना पड़ता है। उससे निकली एनर्जी या तो यूज़फुल वर्क में या तो हीट पैदा करने में लग जाती है। एग्जाम्पल के लिए हम फ़ैन को देखते हैं। जब भी कोई फ़ैन इलेक्ट्रिसिटी से चलता है तो यूज़फुल वर्क यानी उसके ब्लेड को रन करने में और कुछ पार्ट उस फ़ैन को गर्म करने में चला जाता है। और अगर हम कोई ऐसे सर्किट में देखें जिसमें सिर्फ रेजिस्टर लगा हो तो उसमें कोई यूज़फुल वर्क नहीं होगा, बल्कि सारी एनर्जी हीटिंग इफ़ेक्ट में चली जाएगी। और दोस्तों, इसी को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सपोज़ करते हैं किसी रेजिस्टर में करंट आई है और रेजिस्टेंस आर है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो किसी भी चार्ज क्यू को टाइम टी में मूव करने में वर्क डन इक्वल होगा वी इंटू क्यू। अब दोस्तों, इसी वर्क डन या एनर्जी को हम कहते हैं पावर इनपुट, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, तो उसका पी इक्वल्स हो जाएगा वी क्यू अपॉन टी। और जैसा कि हम जानते हैं क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी होता है, तो इसको हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें मिलेगा पी इक्वल्स टू वी आई। तो यहाँ से हमें पावर इनपुट मिलता है पी इक्वल्स टू वी आई। दोस्तों, किसी भी टाइम टी में एनर्जी सप्लाई विल बी इक्वल टू वी आई टी होगा। और दोस्तों, यही एनर्जी रेजिस्टर में हीट के रूप में डिसिपेट या गायब हो जाती है। और यहाँ से दोस्तों हमें हीट का फॉर्मूला मिलता है जो कि होता है H इक्वल्स टू वी आई टी। और दोस्तों, अगर हम इस फॉर्मूले में ओम्स लॉ लगाएं तो V इक्वल्स टू आई आर हम इसमें पुट करेंगे तो H इक्वल्स टू हो जाएगा H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। और दोस्तों, इस इक्वेशन को कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इस लॉ से हमें पता चलता है कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस और टाइम के। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।